हम कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग नियोजन। लास्ट वीडियो में हमने नियोजन की प्रकृति देखी है, उसका महत्व देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, और आज इस वीडियो में हम नियोजन की सीमाएं देखेंगे और उसकी प्रक्रिया देखेंगे। अगर मैं बात करूं नियोजन की सीमाएं, तो उससे पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज को आप ले लो, उसके दो साइड होते हैं हमेशा, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव। हर एक इंसान के अंदर, हर एक किसी भी टॉपिक के अंदर आपको उसके अच्छे पॉइंट भी देखने को मिलेंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे नियोजन की सीमाओं की, और नियोजन की कुछ सीमाएं होती है। नियोजन करना जरूरी है, लेकिन फिर भी उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो है, नियोजन अलोचकता पैदा करता है, या आप इसको कह सकते हो कठोरता पैदा करता है। इसका सिंपल सा जो मीनिंग है वो ये है कि नियोजन अपने परिवर्तन लाने में थोड़ा सा वहां पे कमजोर पड़ जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपने नियोजन करते वक्त इतना पैसा खर्च किया नियोजन करने में, कि आपने पहले से ही सारी चीजें डिफाइन कर दी कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। अब उसमें चेंजेस लाने से पहले आप 100 बार सोचते हो, क्योंकि प्लानिंग करने में आपने ऑलरेडी बहुत पैसा लगाया, बहुत टाइम लगाया, और बहुत एक्सपर्ट लोगों से आपने नियोजन करवाया, आपने प्लानिंग करवाया अपने बिजनेस को लेकर, अपने गोल को लेकर। और अब आप ये सोचते हो कि आप अगर उसमें चेंजेस करोगे तो फिर नियोजन करने का बेनिफिट क्या हुआ। नियोजन में चेंजेस क्यों लाए जाते हैं वो समझो। नियोजन में चेंजेस लाने के पीछे का रीजन ये होता है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका बिजनेस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे हमारे कुछ बाहर के ऐसे तत्व, जैसे राजनीतिक तत्व, आर्थिक तत्व, आप इसका एनवायरमेंट का नाम दे सकते हो। ये ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिसके ऊपर जो संगठन है, जो बिजनेस है, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में नियोजन असफल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप नियोजन में परिवर्तन ला नहीं सकते और बाहर का जो वातावरण है वो आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रहा। आपके अकॉर्डिंग से मेरा मतलब है कि जब आपने नियोजन किया था तो उसके अकॉर्डिंग जो आपने सोचा था कि ऐसे ऐसे होगा तो हम ये करेंगे, वो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो टैक्सेशन है वो इंक्रीज कर दिया, वो चेंज कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि आप अपने नियोजन में, आप अपने प्लानिंग में, आपने पहले सोचा था कि टैक्सेशन जो है वो चेंज नहीं होगा। अब आप बाउंड हो चुके हो जो आपने नियोजन किया था उसके अकॉर्डिंग काम करने के, लेकिन रियलिटी में तो चेंज हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको कि आंतरिक आलोचकता, बाह्य आलोचकता। मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या लिखना है आपको। पहला पॉइंट यहाँ से लिखोगे, बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में वांछित परिवर्तन न कर पाने के कारण अनेक लाभ के अवसर संस्था के हाथों से निकल जाते हैं। इसमें दो तत्व विद्यमान होते हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक कठोरता वो होती है जिसमें नियोजन समय संस्था के उद्देश्य, नियोजन के समय संस्था के उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, नियम, कार्यक्रम आदि का निर्धारण कर दिया जाता है। इसमें बार बार परिवर्तन कर पाना बहुत कठिन होता है। इसे आंतरिक आलोचकता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे बाह्य आलोचकता, जिसमें आप लिखोगे कि राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, प्रकृति प्रकोप, प्रतियोगियों की नीतियों आदि को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन के कारण कई सरकार द्वारा व्यापार नीति, कर नीति, आयात नीति आदि में परिवर्तन किए जाने से संस्था द्वारा बनाई गई योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपका एग्जाम्पल दिया था, आपने सोचा कि टैक्सेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट चेंज कर दिया। इस प्रकार प्रतियोगियों की नीतियों में अचानक परिवर्तन से योजनाएं प्रभावहीन हो जाती हैं। आप ये भी मान सकते हो जब आप नियोजन करते हो कि जो आपके प्रतियोगी है वो कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने चेंजेस कर दिए तो भी आपके जो प्लानिंग है वो विफल हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। अगर आपका एनवायरमेंट, अगर आपके बिजनेस का एनवायरमेंट अगर चेंज होता रहता है बार बार, तो नियोजन जो प्लानिंग है वो काम नहीं करेगी। आप परिवर्तन कैसे वातावरण का, अब वातावरण आपको ऑलरेडी पता है एनवायरमेंट कितने टाइप के हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं कि अगर कोई वातावरण अगर चेंज हो रहा है लगातार, आप राजनीतिक वातावरण को ले लो, अगर राजनीतिक वातावरण अगर बार बार चेंज हो रहा है, उसकी जो पॉलिसीज है बार बार चेंज हो रही है, बिजनेस करने की जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर बार बार चेंज हो रही है, तो ऐसे में आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, आप कितना भी नियोजन कर लो, वो नियोजन सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि नियोजन हमेशा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो नियोजन होता है वो बहुत ही कम सोच विचार में किया जाता है, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है वो है लॉन्ग टर्म नियोजन का। जब लंबे समय के लिए जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हो तो उसको अचीव कैसे करोगे, शॉर्ट टर्म आप चेंज कर लेते हो आराम से, कोई भी संगठन चेंज कर लेता है शॉर्ट टर्म का कि आज हम चाय नहीं पियेंगे, क्या दिक्कत है, आज हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 था लेकिन उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे क्योंकि डिमांड है, तो 100 से 105 कर लेंगे, शॉर्ट टर्म में आप कर लोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म नियोजन को आप चेंज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बताया गया है कि नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या लिखा है, एक कंपनी ने पूर्व अनुमान लगाया कि सरकार शीघ्र ही किसी विशेष उत्पाद का निर्यात खोलने वाली है, इसी उम्मीद से कंपनी ने उस उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ कर दिया, लेकिन सरकार ने निर्यात नहीं खोला। इस प्रकार गलत अनुमान से जो नियोजन किया गया था वो अशुद्ध था, वो बेकार था और लाभ के स्थान पर हानि हो गई, क्योंकि उस कंपनी ने, उस व्यवसाय ने, उस संगठन ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, तो उसके पास सामान तो था लेकिन उसका निर्यात कर पाने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, क्रिएटिविटी को कम इसलिए करता है क्योंकि नियोजन में आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ऐसे में जो सामने वाला जो इंसान है, जो एम्प्लॉई है, जो प्रबंधक है, उसको काम करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी दिखानी नहीं है, उसको जो बोला गया वो उसने वो किया। जैसे गधा होता है, आप गधे को बता देते हो कि भैया इस रास्ते पे चलना है तो इस रास्ते पे ही चलेगा, वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। इसी तरीके से बेटा जो नियोजन है, क्योंकि नियोजन में आपने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, तो ऐसे में आप कर्मचारियों के अंदर जो पहल की जो क्षमता है उसको आप समाप्त कर देते हो, कर्मचारी अपनी तरफ से सजेशन देना बंद कर देता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी भी है कि नियोजन कर्मचारियों की पहल क्षमता का गला घोंट देता है और वह उनको लोचहीन ढंग से काम करने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नियोजन एक बौद्धिक कार्य है और उसके लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत धनराशि आपको खर्च करनी पड़ती है और साथ में समय भी आपको खर्च करना पड़ता है। इसके पीछे आप एग्जांपल ये ले सकते हो कि जब भी आपको प्लानिंग करनी हो, जब भी आपको नियोजन करना हो, तो आप पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस को लेकर आते हो, पास्ट के डेटा को लेकर आते हो, ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट करते हो प्लानिंग बनाने के लिए जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो भविष्य में झांक सके, जिनको अलग अलग कंपनियों के एक्सपीरियंसेस हो, और ऐसे में उनकी भी सैलरी ज्यादा होती है इस चीज में। तो इसलिए वो कहा गया है कि नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, पास्ट में जो भी आपको डेटा चाहिए उसको लाने में टाइम लेता है, उसको समझने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें जिसमें टाइम लगेगा, देन उसके बाद प्लानिंग बनेगी। प्लानिंग कोई एक दो दिन का काम नहीं है, प्लानिंग हम खुद तो कर सकते हैं एक दो दिन का, क्यों, क्योंकि हमें तो बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स अपने अचीव करने होते हैं, लेकिन संगठन को करने होते हैं लॉन्ग टर्म के गोल्स अचीव, तो ऐसे में उसको टाइम लगेगा, जो कि एक उसकी कमी को दर्शाता है। तो अगर आपको जल्दी में बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप नियोजन नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म का नियोजन नहीं कर सकते। अगर आप नियोजन करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें कमी रह जाएगी और विफल होने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट हमें ये बताता है,
नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता और गारंटी देगा भी कैसे। फ्यूचर है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो, आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी ऐसे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हो, किसी ऐसे टीचर के पास पढ़ाई कर रहे हो जो आपसे 1,00,000 रुपए महीने का चार्ज कर रहा है, मान के चलो, बट गारंटी तो वो भी नहीं दे सकता आपके पास होने की। क्यों नहीं दे सकता, एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने कहा कि मुझसे आप 1,00,000 रुपए ले लो पूरे साल भर का और मुझे गारंटी दे दो कि मैं पास हो जाऊंगा, और मैं लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मैं पेपर अगर खाली छोड़ गया हूं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं हो पाएगा, कम से कम आपका जो दिल्ली की जो आपका बोर्ड है दिल्ली का, उसमें तो आप कम से कम पास नहीं हो सकते, बाकी की मुझे नॉलेज नहीं। तो जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक कोई गारंटी नहीं, इवन आपके एफर्ट करने के बाद भी गारंटी नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हो बेटा ऑपरेशन कराने के लिए, पेशेंट दिल का ऑपरेशन है, दिमाग का ऑपरेशन है, अलग अलग बॉडी पार्ट का ऑपरेशन है, क्या वो डॉक्टर गारंटी देता है कि मैं आपको कंफर्म ठीक कर दूंगा, क्या कंफर्म ऑपरेशन करने के बाद आप जिंदा रहोगे, कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि ऑपरेशन से पहले आपसे एक फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसमें बताया गया है कि अगर बाय चांस डेथ हो जाती है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इतने साल की पढ़ाई किया हुआ डॉक्टर भी अगर गारंटी नहीं दे सकता तो एक नियोजन आपको गारंटी कैसे दे सकता है। और गारंटी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचरिस्टिक है, वो भविष्य में है। हो सकता है कि ये वीडियो बनाने के बाद भी लोग इस वीडियो को, बच्चे इस वीडियो को ना देखें। क्या गारंटी है कि ये वीडियो वायरल हो जाए, क्या गारंटी है कि ये वीडियो बच्चों को इतनी पसंद आ जाए कि बच्चे बार बार इस वीडियो को देखें, कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए कहा गया है नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता क्योंकि ये भविष्य में निर्धारित होता है। इस वजह से कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, निष्कर्ष क्या होता है। नियोजन की सीमाओं का अध्ययन कर लेने पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नियोजन अनावश्यक है अथवा यह एक विलासिता है जिसे केवल बड़ी संस्थाएं ही सहन कर सकती हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि नियोजन अनावश्यक है, अनावश्यक से मेरा मतलब यहां पर यह है कि नियोजन आपके लिए आवश्यक तो है, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि व्यर्थ है, पूरा बिल्कुल काम आता है, लेकिन ये विलासिता का पॉइंट है। विलासिता का मतलब एक ऐसी संस्था जो इसको अफोर्ड कर सकती है, सिर्फ वही इसको यूज करे, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हर कोई इसको यूज करे, कंपल्सरी नहीं बताया गया, विलासिता बताया गया है कि जो यूज करना चाहे, जो इसका खर्चा उठा सकता हो वो करे। आगे लिखा है कि केवल बड़ी संस्थाएं ही सहन कर सकती है, छोटी संस्थाएं, अगर आपको अपना बिजनेस बहुत जल्दी स्टार्ट करना है तो आप प्लानिंग में इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है, यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी बोला गया है। अतः प्रश्न ये नहीं है कि योजनाएं बनाई जाए अथवा नहीं, बल्कि ये है कि उन्हें अच्छे ढंग से कैसे बनाया जाए। योजनाओं के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके उन्हें प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। तो कंक्लूजन हमें सिंपली ये चीज बता रहा है कि नियोजन करना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी को करना है, ये एक विलासिता का रूप धारण किए हैं जिसमें केवल सिर्फ बड़ी संस्थाएं ही उसको सहन कर सकती हैं। और यहां पर अब ये क्वेश्चन नहीं उठता कि आपको नियोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन ये उठता है कि आप नियोजन को अच्छे ढंग से कैसे बनाएं, प्लानिंग को अच्छे ढंग से कैसे बनाएं और उसको अच्छे ढंग से लागू कैसे करें जिसमें उसमें आने वाली कठिनाइयों को आप दूर करें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियोजन की प्रक्रिया। अब हम करेंगे नियोजन की प्रक्रिया। नियोजन का जो प्रोसेस है, प्लानिंग का जो प्रोसेस है, वो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, देन फिर हम
इसके पॉइंट को भी देखेंगे। अगर आप किसी भी काम को करते हो तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो नियोजन करने के लिए भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा लक्ष्य का निर्धारण। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लेके जाता हूँ। नियोजन आप कर किस लिए रहे हो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। आप नियोजन कर किस लिए रहे हो? आप बेटा नियोजन कर रहे हो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्लियर पॉइंट? तो जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लोगे तब तक आप काम करते रहोगे। और वो काम कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब आप प्लानिंग में निर्धारित करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा आपका उद्देश्य निर्धारित करना। इसके बाद आप आधार विकसित करते हो। आधार विकसित का मेरा मतलब है कि जो आपने उद्देश्य बनाए हैं, जो भी आप उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो उसको लेकर आप पॉसिबिलिटी चेक करते हो कि क्या ये पूरा हो पाएगा। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए क्या उसके लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी है, क्या उसके लिए आपके पास पर्याप्त श्रम है, क्या उसके लिए आपके पास पर्याप्त क्या सारे साधन है। तो ये सारी चीजें हम पता करते हैं आधार विकसित करने के पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। आप कह सकते हो कि हम यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को चेक करते हैं कि क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारे रिसोर्सेज हमारे पास है या नहीं है। जब रिसोर्सेज चेक कर लेते हो फिर आप चेक करते हो कि कितने प्रकार के अल्टरनेटिव है आपके पास, अल्टरनेटिव है आपके पास काम को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के जो रास्ते हैं जहां से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, वो सभी रास्तों की आप खोज करते हो। खोज करने के बाद फिर आप उन सभी का मूल्यांकन करते हो। आप चेक करते हो कि कौन सा ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा रास्ता है जो आपके लक्ष्य को बाकी अल्टरनेटिव से ज्यादा अच्छे से अचीव कर सकता है। क्लियर पॉइंट? एक विकल्प का चयन करना। फिर आप क्या करते हो कि जब आपने मूल्यांकन कर लिया तो उसमें से जो सबसे बेस्ट है विकल्प उसका आप चयन कर लेते हो। देन फिर योजना को लागू करना स्टार्ट करते हो। योजना को लागू करने के बाद फिर आप उसकी समीक्षा स्टार्ट कर देते हो। फिर आप ये चेक करते हो कि जो हमने योजना लागू की है, जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने प्लान एक्टिव किया है, क्या वो अपने काम को अच्छे से कर पा। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, वो अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा योजनाओं के प्रकार। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, योजनाओं के प्रकार, जिसमें आपके स्टैंडिंग प्लान्स हो गए आपके, जो एक बार आप बना लेते हो और उसके बाद फिर आप उसको यूज करते हो। फिर उसके बाद देखो, फिर ये सारे पॉइंट है मोर्चाबंदी स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें बेटा ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं ये आपकी केस स्टडी में ये सारी चीजें आ सकती हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है, बस ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और फिर हम खत्म कर देंगे वाला चैप्टर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई सजेशन देना है तो मोस्ट वेलकम। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि क्या कमी रह गई, अगर कोई भी इश्यू रह गया तो बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं कि उसको वो गलती दोबारा ना हो और आपको और अच्छे से मैं नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ अपने एग्जाम में।